भी ये वीडियो देखकर सोच रहे होंगे कि इस ढाबे पर इतनी मीडिया क्यों जमा है और इतने लोग क्यों इकट्ठा हैं। तो इसका कारण है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ऐसी पावर है जो किसी ने देखी नहीं, लेकिन सभी ने महसूस जरूर की है। और अब कुछ ऐसा ही तब महसूस हुआ जब असंभव चीज संभव हो गई। दरअसल हम बात कर रहे हैं बाबा का ढाबा की। सोशल मीडिया पर बुधवार को एक बुजुर्ग कपल का वीडियो वायरल हुआ तेजी से, जिसके मुताबिक वो मालवीय नगर में एक ढाबा चलाते हैं। लॉकडाउन के कारण कुछ वक्त से ढाबा ठप हो गया है, ऐसे में बुजुर्ग कपल का जीवन यापन काफी मुश्किल हो गया है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले शख्स ने इस बुजुर्ग कपल के लिए आर्थिक मदद मांगी है। शख्स के खाते में 2 लाख रुपए से ज्यादा की डोनेशन आ चुकी है। वीडियो वायरल करने वाले शख्स ने बुजुर्ग कपल के साथ एक और वीडियो बनाकर फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की है। इस वीडियो में लोगों से अपील की गई है कि वो अब बुजुर्ग कपल के लिए और डोनेशन ना करें। उनके पास 2 लाख रुपए से ज्यादा की डोनेशन पहुंच गई है। वो इतनी डोनेशन से काफी खुश हैं। इनसे उनकी जरूरतों आसानी से पूरी हो जाएंगी। साथ ही वीडियो में बुजुर्ग कपल ने लोगों से अपील की है वो किसी और जरूरतमंद की आर्थिक मदद करें। वो मालवीय नगर में एक ढाबा चलाते हैं, लेकिन काम इतना मंद चल रहा है कि बुजुर्ग कैमरे के सामने रोने लगे। उनके आंसू देखकर बहुतों का दिल पसीज गया और अब देश भर से लोग इनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में एक 80 साल के बुजुर्ग की आंखें नम थी। उनको तकलीफ थी कि कोई भी उनके ढाबे में खाना नहीं खाता। किसी शख्स ने उनका वीडियो वायरल कर दिया। इस वीडियो को कई बड़ी हस्तियों ने भी ट्वीट किया और बुजुर्ग की मदद करने को कहा। वीडियो वायरल होने के कुछ ही देर बाद बाबा का ढाबा में लंबी लाइन लग गई। दूर दूर से लोग ढाबे की स्पेशल पनीर खाने आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद काफी ज्यादा लोग उनके ढाबे के बाहर हैं और मीडिया की लाइनें लगी हुई हैं और उन्होंने अपना काम 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसी ही और भी कई इंटरेस्टिंग खबरों को सबसे पहले पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।